हाय गाइस, आई एम अमरदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए यादव ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी पटना में रहते हैं, और आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कनेक्टिंग में जितने भी दोस्त हैं जो पटना में रहते हैं या भाई, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तब शेयर करना है, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा साउंड में अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं बाहर में वीडियो बना रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा शोर शराबा हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो का आज का टॉपिक है, जैसे हम लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम जाएंगे वहाँ पटना जाना होगा, और पटना जाना होगा तो वहाँ के जो रूम मकान मालिक है वो हमसे किराया मांगेंगे, और मकान मालिक किराया मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा। जैसे कि अदर स्टेट में क्या है, दिल्ली में और यूपी में केजरीवाल और योगी जी जो है रूम रेंट माफ़ करवा रहे हैं, मगर बिहार की सरकार नीतीश कुमार कुछ भी फैसला अभी तक नहीं लिया है कि रूम रेंट क्या होगा और आगे क्या लेगी या ना लेगी। तो इसके लिए हमें क्या है, अगर लेगी तो अच्छी बात है, नहीं ली तो हमें पहले से अपने से आत्मनिर्भर बन के और हमें फैसला लेना पड़ेगा। और मोदी जी का भी यही नारा है, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए मैंने एक अच्छा सा प्लान तैयार किया, वो प्लान को लास्ट तक ज़रूर सुने, अगर अच्छा लगे तो तब व्हाट्सएप नंबर अपना दें और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। तो प्लान ये है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने वाला हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि जितने भी पटना में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनका नंबर रहेगा, एक ग्रुप बनेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें मान के चलिए 100 स्टूडेंट भी अगर जुड़ते हैं तो वो भी बहुत है। कि इसमें क्या होगा कि इससे ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं ऐसा बात नहीं है, मगर जितना भी जुड़ेंगे तो हम एक साथ विरोध करेंगे रूम रेंट। जैसे 100 मेंबर हैं इसमें, तो एक से भी अगर रूम रेंट मांगा जाएगा तो 100 लड़के जो हैं वो प्रॉपर विरोध करेंगे कि नहीं, हम रूम रेंट नहीं दे सकते। कैसे दे सकता है भाई, जब यहाँ पर कृषि के क्षेत्र से आ रहा है लड़का, और डेली बेसिस पे जो जिनके पापा काम करते होंगे या जिनके पिताजी मंथली बेसिस पे काम करते होंगे, तो उनका तो भाई काम ही नहीं हो रहा, तो वो उनका आय जब इनकम ही नहीं है तो मकान वाले को देंगे कैसे, सही बात है। और तो हमको अगर एक भी लड़का से रूम रेंट मांगा जाएगा तो सब विरोध करेगा, और विरोध करने के बाद वो नहीं लेंगे रूम रेंट। जब एक साथ 100 लड़के निकलेंगे ना, स्टूडेंट पावर दिखानी है और आत्मनिर्भरता के साथ, क्योंकि मोदी जी का यही नारा है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इस पे हमें अमल करते हुए अपना एक फैसला लिया है, और ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट करें, और एक ग्रुप जल्दी ही बनाऊँगा। और ग्रुप इस पे डिपेंड करेगा कि कितने इस वीडियो पे लाइक आए, कितना शेयर हुआ है, जितने लोग ज़्यादा शेयर होंगे जितने नंबर होंगे। और बहुत लड़के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बहुत दोस्त ये सब मेरे हैं, तो बोला है कि भाई ऐसा ग्रुप बनाओ, तो ऐसे ही 50-60 लड़के अभी हैं, और आप सब जितना से जितना ज़्यादा होगा तो उतना अच्छा बात है। तो आप इस पर डिपेंड करता है आप कितने लोग कमेंट करते हैं, ग्रुप से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छी बात है, और अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको शेयर ज़रूर करें वीडियो, ठीक है। और हमें रूम रेंट नहीं देना है, इतना तो बात कंफर्म है इस वीडियो के चलते। अगर कोई भी राजनीतिक से जो लोग अगर देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ इन पे सर आप एक्शन लीजिए और रूम रेंट स्टूडेंट का माफ़ करवाइए, और नहीं तो फिर तो हम सब अपने से करवाना पड़ेगा। तो आप खुद से इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कमेंट, आपको ये प्लान कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरे बिहार में वीडियो को फैला दें। और यही छोटा सा सिंपल सा वीडियो अभी बनाना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने दोस्त के पास जरूर से वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आते रहेंगे ऐसी स्टूडेंट से रिलेटेड और टूरिस्ट ट्रेवलिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।